सो सोहेगा किचन कैसे हो आप सब मैं बहुत दिनों बाद रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना इसलिए मैंने सोचा हमारे फ्रेंड्स को एकदम चटपटी सी स्ट्रीट फूड रेसिपी देते हैं तो उसका नाम है पाव भाजी तो चलो इसे बनाते हैं फिर एक कढ़ाई लेंगे हम लोग फर्स्ट उसे हीट कर लेंगे हाई फ्लेम पे एंड उसमें तो कटे हुए शिमला मिर्च शिनशान को जो बिल्कुल नहीं पसंद था उसे अच्छे से फ्राई कर लेंगे देखो ये ब्राउन हो रहा है हलू हाँ हलू एंड इसमें चार कटे हुए हरे मिर्च ताकि स्पाइसी सा बन जाए क्योंकि पाव भाजी स्पाइसी कितनी यमी लगती है ना यार फिर इसे फ्राई करने के बाद ब्राउन हो रहे देखो इसके बाद पाव किलो आलू लेंगे जिसको बॉइल करके मैश कर लिया था मैंने वो डाल देंगे एक टी स्पून आदर लहसुन पेस्ट चार कटे हुए टमाटर फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लो कैसे हम कर रहे हैं ना वैसे ही करना अच्छी नहीं बनेगी इसमें बटर डालेंगे एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर नमक कसूरी मेथी, एक टी स्पून पाव भाजी मसाला, कर लो। देखो ये अभी से इतनी अच्छी लग रही है आगे जाके कैसे बनेगी इसका टेस्ट कैसा होगा इसे एक बोल में निकाल लेते हैं इसे निकाल कर रख दीजिए साइड में फिर कढ़ाई लेंगे एक कप तेल डालकर उसमें हम डालेंगे बटर अमूल बटर किसको किसको पसंद है हमें मैं बताना फिर इसे हीट करने के बाद देखो बटर भी है प्लीज़ मुझे निकाल लो यहाँ से फिर इसमें चार प्याज डाल देंगे कटी हुई चार प्याज बोले तो आप लोग सादी प्याज डाल दिए तो क्या करो है ना इसलिए बोलना पड़ता है यार फिर इसमें ऑरेंज कलर डालेंगे ताकि हमारी पाव भाजी एकदम टेंटिंग से बन जाए और डिलीशियस भी कसूरी मेथी नमक एक टी स्पून लाल मिर्च पाउडर एक टी स्पून भाजी मसाला और थोड़ा सा धनिया विच इज़ इम्पोर्टेंट इन एवरी रेसिपी राइट इसे मिक्स कर लीजिए इसे मिक्स करने के बाद जो हमने मसाला बनाया था आलू का वो डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लो ताकि ये दोनों मिक्स हो जाए वाह क्या बोला मैंने है ना ये अभी से बहुत ज़्यादा टाइमिंग लग रही है बहुत ज़्यादा चलो इसे अभी अच्छा बनाने के लिए दो कटे हुए नींबू का रस डाल देंगे ताकि एक खट्टा सा स्पाइसी सा सब ऑल इन वन मन जाए यार एकदम स्ट्रीट फूड टाइप बने है ना और इस पर थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ली दाल थोड़ा डालिए फिर उसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए मीन्स वो पानी जब तक पक जाएगा उसके बाद थोड़ा डालना है देखिए इसका पानी चला गया है इसलिए फिर अभी थोड़ा पानी डालकर ऐसे करिए अगर आप पूरा डाल देंगे तो बहुत ही लाइक लिक्विड सा बन जाएगा देखो इसमें आ रहे हैं बबल्स सो तो अब हमारी पाव भाजी की भाजी तो रेगी हो गई है ना यार तो इसे साइड में रखकर अब हमारा पाव रेगी करते हैं एक पैन लेंगे जिसको बटर से अच्छे से ग्रीस कर लेंगे ग्रीस में लगा देंगे नो इंग्लिश इंग्लिश में इंग्लिश है, है, है फिर इसे कसूरी मेथी डालकर थोड़ा सा धनिया एंड थोड़ा पाव भाजी मसाला थोड़ा सा ही डालना एंड इसे अच्छे से देख लीजिए इसे कर जब तक मैं आपको बताऊंगी कि आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू होना यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो आप लोग कर ही नहीं रहे हो जल्दी से मेरे सब्सक्राइबर टू हंड्रेड करो तो प्लीज़ फिर हमारे पावरे गिर चुके हैं अब हमारी पाव भाजी पूरी जल्दी है बनकर के बहुत ऐसी थी टेस्ट में बहुत ही अमी थी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो डोंट फॉरगेट टू क्यू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय बाय